बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है चिकन हॉट एंड सॉर सूप की, तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून गार्लिक जाएगा इसमें चॉप किया हुआ, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। तेज़ आंच पे आपने इसको करना है, जलाना नहीं बिल्कुल भी। हल्का सा कलर चेंज हो तो चिकन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, वो ऐड कर देंगे। क्यूब्स में मैंने छोटे छोटे कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। चाइनीज सॉल्ट डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसको। तो यहाँ पर देखें हल्का सा कलर चेंज हो चुका है चिकन का। इस तरह फ्राई करने से हॉट एंड सॉर सूप बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखें, यहाँ पे मैंने जो चिकन लिया था, हड्डियों की मैंने यखनी निकाली थी, उसके ऊपर जो चिकन लगा था वो मैंने अलहदा कर लिया। मैंने विंग्स की हड्डियाँ ली थी, उसके साथ जो चिकन था वो मैंने उतार लिया। नमक मैंने डाल दिया था 1/2 टेबल स्पून, और साथ मैंने लहसुन के 2-3 जवे डाल के तो मैंने यखनी तैयार कर ली थी। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल करे आप वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपने काम करना है, इसको साथ साथ हिलाते रहना चिकन को। अब हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी भी खुशक हो चुका है। इसको फिर से हम फ्राई करेंगे। और नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यखनी में भी ऐड किया था, इसलिए मैंने सिर्फ अभी चिकन में चाइनीज सॉल्ट ऐड किया। ये यखनी देख सकते हैं आप। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे जो हड्डियों की निकाल ली थी। नमक इसमें भी पहले से मौजूद है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। यखनी मैंने ऐड कर दिया। मैं 3 मग पानी के और ऐड करूँगी, मुझे सूप अभी कम लग रहा था। आप जितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 अफराद के लिए ये सूप तैयार कर रही हूँ। 3 मग मैंने और पानी के ऐड कर दिए हैं। तकरीबन यखनी भी मेरी 2 मग के करीब थी, 5 टोटल मग ये पानी के मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी हमारा जो यखनी है वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ मैंने एक गाजर लिया है, यहाँ पर एक शिमला मिर्च लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी लिया है, इसको मैंने बिल्कुल एक प्याज लिया है सबज, यहाँ पर इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। डाल देंगे इसके अंदर वेजिटेबल सारी। इनका टेस्ट और इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। शिमला मिर्च डाल देंगे, बंद गोभी ऐड करेंगे। देखें माशाल्लाह से सूप पकना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। सफ़ेद मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, इसमें सफ़ेद मिर्च जाती है। सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। नमक डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। चिल्ली सॉस जाएगी 2 टेबल स्पून, भर के डाल देंगे। सोया सॉस के 2 टेबलस्पून, सिरका भी 2 टेबलस्पून डाल देंगे। चीनी जाएगी 1/2 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे इसको। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैंने चाइनीज सॉल्ट लिया है 1/2 टेबलस्पून, वो भी और ऐड कर देंगे। टमाटो केचप डाल देंगे 3 टेबलस्पून। चिली गार्लिक केचप डाल देंगे 3 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर लास्ट में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। आप नमक मिर्च का कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ऐड करेंगे सब्ज़ प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ था बारीक चॉप करके। 1 अदद अंडा लिया, इसको फेंट के अच्छे तरीके से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ ऐसे आपने हिलाते जाना है सूप को। देखिए माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आ गया। तो यहाँ एक बाउल ले लिया मैंने, यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखें आप, यहाँ इस तरीके से आपने लिक्विड बना के तो इतना थिक होना चाहिए। ऐसे अब हम इसके अंदर ऐड करके साथ साथ इसको चम्मच चलाते जाएँगे। और यहाँ पर हमारा सूप अल्हम्दुलिल्लाह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त आई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हॉट एंड सोर सूप तैयार हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये थी व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी चिकन हॉट एंड सॉर सूप की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।